हेलो दोस्तों, कबाड़ से कमाल के सफर में आपका स्वागत है। तो मेरे पास पड़ा था ये बोरिंग सा पर्स। मुझे फंक्शंस में पर्स लेके जाने का शौक कुछ सालों से पड़ा है, पर इसकी हालत देख के मेरा तो मन ही मर गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें जान डाल दें और अपने मन को भी जगा लें। तो मेरे पास था ये सुंदर सा ब्रॉच। वैसे ये ब्रॉच नहीं है, राखी में से निकाला खजाना है। तो ये तो डिसाइडेड था कि मुझे ये लगाना है, पर इसके आसपास क्या। तो मैं गई मार्केट और वहां से लाई ये लड़ी जो 50 की 2.5 मीटर थी, पर अच्छे पर्स के लिए इतना तो बनता है। उसी के साथ मैंने वहां से लिया ये ब्रॉच के मैचिंग ब्लू सीक्वेंस। तो मैंने इसको एविल आई के लुक देना डिसाइड किया कुछ सीक्वेंस के कॉम्बिनेशंस के साथ। हाँ, ये है अगला दिन और मैं एक लेयर लगा चुकी हूँ। तो मैंने आपको बोर करने के लिए काम रिकॉर्ड करना सही समझा, तो आइए बोर करते हैं। अब मुझे लगाना है इस पे ये छोटा छोटा सीक्वेंस, जो बहुत मेहनत का काम है बाबा। मैं साथ ही मार्केट से लाई फैब्रिक ग्लू, जो वैसे तो 17 की थी पर अंकल के पास खुले नहीं थे तो मुझे ये 15 की पड़ी। अब जैसे हर चीज की इंस्टॉलमेंट होती है, उसी तरह हम ग्लू को भी किश्तों में लगाने वाले हैं। हमारी एक साइड रेडी हो गई है तो दूसरी साइड भी तैयार कर लेते हैं, पर प्रॉमिस मैं आपको बोर नहीं करूंगी। तो मैजिक से हो गई है हमारी दूसरी साइड रेडी। अब हम फिर से इसको लगाएंगे, तो पहले इसे नाप लेते हैं ताकि इसके साथ धोखा ना हो। तो काटो मगर ध्यान से। तो अब इसे उतना काट लेते हैं और फिर उसी ग्लू की मदद से इसको भी स्टिक कर लेंगे। अब की बार किश्ते काम नहीं चलेगा तो वन टाइम पेमेंट ही करनी पड़ेगी। जरा ध्यान से लगाएं, कहीं पर्स का डिजाइन खराब ना हो जाए, भले ही आपकी उंगलियां सड़ जाएं। अब ऐसे ही दूसरी साइड लगा लेते हैं। धूप की वजह से मेरी ग्लू काफी जल्दी सूख रही है, तो मुझे फॉलो ना ही करे तो अच्छा है। तो अब मैं एक और लेयर लगा रही हूँ और जो होगा हमारे डिजाइन का फाइनल स्टेप। तो ये हो गया है हमारा पर्स रेडी और अब हम इसे फंक्शन में कैरी करने का सोच सकते हैं। तो मेरा मन तो जिंदा हो गया है, मैं चली फंक्शन में। अगर आपको भी ये अच्छा लगा हो तो आप भी एक बनाएं और कमेंट में अपने रिव्यू शेयर